तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं आफ्ताब और आप देख रहे हैं टेक आफ्ताब यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं जनाब। तो आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं वीवो का Y15s। तो इससे जो प्रीवियस मॉडल था वो था वीवो का V23, जो हाई स्पेसिफिकेशंस के साथ इन्होंने लॉन्च किया था। तो इसमें कुछ स्पेसिफिकेशंस कम हैं, मगर ये बजट फ़ोन है। तो चलिए हम आ जाते हैं अपनी अनबॉक्सिंग की तरफ। तो मेरे प्यारे भाई, आपको मिल जाएगा सबसे पहले इसमें से एक गाइड बुक, जो कि आपके किसी काम का नहीं है। और उसके बाद आपको एक मिल जाएगा जेली पाउच। तो जेली पाउच क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, मगर चलेगा 2 महीने तक। उसके बाद उसका कलर जो है ना, ऐसा हो जाएगा कि आपको फेंकने का मन करेगा। तो भाईजान, मोबाइल तो निकालने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो फाइनली मैंने मोबाइल तो निकाल दिया है। तो अब हम देखते हैं इसका क्या लुक है, क्या कलर है। तो अब हम इसको शॉपर से निकाल लेते हैं। अरे भाई, बस भी कर दे, आ जा बाहर। तो हमारा फ़ोन जो है शॉपर से निकल चुका है। तो लुक जो है और कलर आपके सामने है। कलर हम आगे चलकर देखेंगे, फिलहाल हम इसको पावर ऑन कर लेते हैं। मोबाइल को कर देते हैं साइड बाय। जब तक पावर ऑन हो जाए, तब तक हम दूसरी जो है इसके साथ एडाप्टर जो भी इसके साथ है वो हम चीज़ें देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये एडाप्टर मिल जाएगा, 10 वाट का फास्ट एडाप्टर जो है आपको फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करेगा। जो है ये 10 वाट का फास्ट चार्जेबल एडाप्टर है। उसके बाद आपको ये मिल जाती है डेटा केबल। तो भाई, आपसे एक बात भी शेयर करनी थी, तो कुछ ही मिनट के बाद मैं आपसे वो बात शेयर करता हूँ। उसके बाद आपको मिल जाती है ये सिम इजेक्टर है, जो कि तकरीबन सब न्यू मोबाइल्स के साथ आता है। हाँ, तो बात ये थी कि ये जो डेटा केबल मैंने आपको दिखाई, मैंने 60,000 अराउंड जो है वो भी फ़ोन अनबॉक्स किए वीवो के। और अब ये जो मोबाइल फ़ोन है वो 24,000 अराउंड है, इस कीमत के मतलब अंदर का अंदर आपको मिल जाएगा। तो डेटा केबल जो है सब मतलब के मैंने देखा है अच्छे तरीके से, तो क्वालिटी वाइज तो सेम ही होती है। तो इसमें तो कोई मतलब के प्लास्टिक में या डेटा एडाप्टर है उसकी प्लास्टिक में मुझे आज तक कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। जो 60,000 के वाली मोबाइल के साथ आता है वही 24,000 वाली मोबाइल के साथ ही प्रोवाइड करते हैं। अब हम कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो चिपसेट है वो है मीडिया टेक हीलियो P35 12NF। अब जाहिर बात है ये तो कोई हेवी गेम तो सपोर्ट नहीं कर पाएगा, जैसे क्या बोलते हैं यार इसको पबजी शबजी वो तो नहीं चलाएगा। चलाएगा भी मतलब कि इतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलने वाली आपको। उसके बाद आपको IPS LCD प्रोवाइड करते हैं ये। अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो आपको 6.5 इंचेस डिस्प्ले मिल जाएगा और रेजोल्यूशन 720। अब जो मेरे पास वेरिएंट है वो है 3GB एंड 32GB, एक ही वेरिएंट आता है इसमें। बैटरी आपको मिलने वाली है 5000 mAh, तो काफ़ी बेहतर बैकअप आपको मिलने वाला है। तो अब आप लुक देखें और इन्जॉय करें।
तो भाई उम्मीद करते हैं आपको लुक बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि यार ये बजट फ़ोन है, तो बजट फ़ोन में तो जाहिर बात है हमें थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब ये 60,000 का फ़ोन नहीं है तो हम फरमाइशें करें तो जैसा भी है परफेक्ट है। अब चलते हैं हम सेटिंग्स में, इसकी आप ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस रीड कर लें, देख लेते हैं। यहाँ पर इसकी कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं, 3 GB वाला वेरिएंट है मेरे पास, और एंड्रॉयड 11 वर्जन जो है इसमें सपोर्टेड है फिलहाल, आगे अपडेट्स भी आती रहेंगी। तो अब हम चाहते हैं कैमरा की तरफ। तो भाई कैमरा का मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी जो बैक कैमरा है वो आपको 13 मेगापिक्सल की मिलने वाली है, और जो फ्रंट कैमरा है 8 मेगापिक्सल। अब हम मतलब कि ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ही ख़राब कैमरा है, तो कैमरा के हिसाब से जो नॉर्मल यूज़र्स होते हैं उनके हिसाब से परफेक्ट है। अब जो फोटोग्राफी करने वाले हजरात हैं उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप दूसरे वीवो के जो फ़ोन्स हैं जो अच्छी कैमरा के साथ आते हैं उनको देखें, उनकी स्पेसिफिकेशंस को रीड करें, उनसे अंदाज़ा लगाएं, क्योंकि वीवो के और भी फ़ोन्स हैं जिसमें बहुत ही अच्छी कैमरास के साथ वो आते हैं। तो फोटोग्राफी वाले हजरात जो हैं दूसरी जो लिस्ट है उसको देखें। इसमें कुछ फीचर्स हैं ये आपके सामने हैं, तो कुछ और चीज़ें भी हैं हम देख लेते हैं। अब आ जाते हैं हम फ्रंट कैमरा पर। तो फ्रंट कैमरा आपको मिल जाता है 8 मेगापिक्सल्स का, जो कि नॉर्मल कैमरा है, तो क्वालिटी आपके सामने है। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए कैमरा का तो यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं वीवो Y15S कैमरा रिव्यू। तो हम फ्रंट कैमरा की वीडियो में आ जाते हैं। अब हम चलते हैं सेटिंग में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी 720 एंड 1080 जो है पी सपोर्ट करता है फ्रंट कैमरा इसका, और बैक कैमरा भी यही सपोर्ट करता है सेम। तो कैमरा की क्वालिटी आपके सामने है, और इसकी जो जूम इन है वो है 2x, और बैक कैमरा जो है वो उसकी भी 2x ही है, तो इसकी जो जूम है वो 2x है। अब इसमें आपको एक ब्यूटी का ऑप्शन भी मिल जाता है जिसमें आप ब्यूटी के साथ अपनी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। तो हम आ गए हैं अब होम स्क्रीन पर। तो यहाँ पर हम इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं, और जो शटर है इसका, जो आजकल वीवो के फ़ोन आ रहे हैं तकरीबन सब सेम लुक है इनका, बाकी बस मॉडल्स का फ़र्क होता है। तो वीडियो करते हैं यहाँ पर एंड, फिर मिलते हैं किसी अगली न्यू वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।